अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। तो फ्रेंड, गोल्डन मिस्री चूज़े हैं जो कि फॉर सेल हैं, तो जो भाई भी ख़रीदना चाहते हों वो जल्दी से रब्ता करके जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी से प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आपको बताते हैं कि गोल्डन मिस्री चूज़े हैं जो कि फॉर सेल हैं, तो जो भाई भी ख़रीदना चाहते हों वो जल्दी से रब्ता करके जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे चूज़े, और उसके बाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे चूज़ों के हवाले से कि क्या रेट है, क्या वज़न है, क्या लोकेशन है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं चूज़े। तो फ्रेंड, माशाल्लाह से आपने चूज़े जो हैं वो देख लिए हैं, माशाल्लाह से फुल एक्टिव हैं, फुल वैक्सीनेटेड हैं। तो जो भाई भी ख़रीदना चाहते हों वो जल्दी से रब्ता करके जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो चूज़ों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि गोल्डन मिस्री चूज़े हैं, और इनकी एज की बात करें तो उम्र है इनकी तकरीबन 15 दिन, और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इनकी फैसलाबाद की। डिलीवरी के हवाले से बात करें तो डिलीवरी इंशाल्लाह से आपको पूरी पाकिस्तान में मिलेगी, जहाँ भी आप होंगे डिलीवरी जो है वो आपको मिल जाएगी। और रेट की बात करें तो रेट है इनका 150 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है ये चूज़े आपको मिलेंगे, 150 रुपये पर पीस के हिसाब से। और नंबर इनका आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपने इसी नंबर पे जो है वो कॉल करनी है, व्हाट्सअप करना है, और अपने चूज़े जो है वो आपने ख़रीद लेने हैं जितने भी आपको चाहिए हो। और डिलीवरी के हवाले से बता चुका हूँ कि आपको डिलीवरी इंशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में मिलेगी। रेट जो है इनका 150 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है ये चूज़े आपको मिलेंगे। और नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो भाई भी ख़रीदना चाहते हो वो जल्दी से रब्ता करके जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।